नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनु माथुर। कंगना रनौत ने बॉयकॉट कंगना पर दिया जवाब, करण जौहर और आलिया भट्ट को बता डाला वायरस। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में ट्विटर पर बॉयकॉट कंगना के साथ ट्रोल किया गया है। कंगना रनौत ने भी जवाब देते हुए एक मीम शेयर किया है जिसमें करण जौहर, वरुण धवन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को वायरस कहा गया है, साथ ही खुद को सैनिटाइजर बताया है। जी हाँ दोस्तों, इस मीम में कंगना रनौत ने अपने आप को सैनिटाइजर बताया है और बाकी सबको वायरस। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फिल्म जगत के साथ ही सोशल मीडिया पर मूवी माफिया और नेपोटिज्म को लेकर आए दिन बहस छिड़ी रहती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिल्म जगत के कई लोगों का नाम लेकर नेपोटिज्म की बात कही। वहीं हाल ही में ट्विटर पर कंगना को लेकर #boycottkangna ट्रेंड करने लगा, जिसके बाद सामने आई कंगना ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दे डाला है। आपको बता दें कि कंगना फिल्म जगत में कई मुद्दों को लेकर मुखर रही हैं। इसी के साथ वो अपनी बात कहने में कभी हिचकती नहीं और बेबाकी से अपनी बात कह देती हैं। हाल ही में जब कंगना को ट्विटर पर बॉयकॉट कंगना के साथ ट्रोल किया गया तो उन्होंने एक मीम ट्वीट करते हुए ट्रोलर को करारा जवाब दे डाला। उन्होंने एक मीम शेयर करते हुए करण जौहर, वरुण धवन, आलिया भट्ट और रणबीर को वायरस कहा है, साथ ही खुद को सैनिटाइजर बताया है। कंगना ने ट्विटर पर एक और मीम को शेयर करते हुए लिखा कि चूहो वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल होल देनी हो तो ऐसे देते हैं। बॉयकॉट कंगना ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता, जाओ कुछ और ट्राई करो। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कंगना रनौत ने कई सारे बड़े खुलासे करते हुए इसे एक प्लान मर्डर बताया है। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर नेपोटिज्म का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद अचानक से ट्रेंड करने लगा बॉयकॉट कंगना और इस पर कंगना रनौत ने अपना जवाब भी करारा दिया है ट्रोलर्स को। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म बीट।